सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के बारे में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आसान ही है। तो इसमें हमें दिया अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड, हाउ हाई इट रिक्वायर्ड टू होल्ड 380 क्यूबिक मेट्रिक ऑफ लिक्विड। तो कुल मिला जुला के इसमें बात करें भैया, आपको एक टैंक दिया है तो उसकी लेंथ हमें दे दी है, कितना दिया है 10 मीटर दे दी है, हमें इसकी ब्रेथ दे दी है 8 मीटर, लेकिन हाइट हमसे पूछ रहा है, लेकिन इसका वैल्यू हमें दे दिया है। तो हम जानते हैं वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, बोलिए आप लोग। हाँ, होता है लेंथ, सॉरी चलिए पूरा लिख देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए हमें दिया है भैया कि इसका जो वॉल्यूम टोटल है कितना दिया होती है आप लोग, 380 मेट्रिक क्यूब दिया, मतलब मीटर क्यूब दिया है। तो लेंथ की वैल्यू है आप लोग की 10 और ब्रेथ है 8, यहाँ से हाइट हम निकाल लेंगे। बताइए आप लोग, बस कैलकुलेटिव पार्ट है, 80 से आप लोग डिवाइड करेंगे, जितना आएगा वही आपकी हाइट, मतलब इतना ही हमें स्टोर करना है। तो कुल मिला जुला कर इसी तरह हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा ताकि कम समय हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ के बारे में। जो हमारा क्वेश्चन फोर्थ दिया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर ब्रॉड, ब्रॉड मतलब इसके लिए हम इसको क्या मानते हैं, हाँ इसको हम ब्रेथ मानते हैं, ठीक है, और 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। तो मतलब कुल मिलाकर जो हमारा क्वेश्चन फोर्थ भी आसानी है, तो इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, हाँ इसमें पहले वैल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। वैल्यूम हमारा कितना होगा, 8 × 6 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम यहाँ से वैल्यूम कंसीडर कर लेंगे, ये हमारा मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो देखिए जो हमारा वैल्यूम आएगा, इसमें हम और पूछ रहे भैया कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको गड्ढा खुदवाना है तो उसकी आप भैया 30 रुपये लगेगा। तो बस अगर हमें इतना मीटर करवाना है, खुदवाना है, मतलब गड्ढा, मतलब इसमें कुछ तरीके का, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इतना रुपये लगेगा। तो बस 8 × 6 × 3 × 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटिव पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी किसी बच्चों को डाउट हो जाए तो पूछ लें। आज के लिए धन्यवाद।